ഇരുന്നുണ്ടോ സമൃദ്ധി വരുന്നു സന്തോഷമായ വായു വരുന്നു പറക്കുന്ന പൊരുകൾ സുഗന്ധിക്കുന്നു പൈജീവി നൃത്യം ശവ നാടകില ഓടുക്കുന്നു हृदय स्वाभाविक संगीत और निरागुण सुनो अर्थात प्रगति में सौंदर्य में फूलों की भरमार है हवा में खुशबू बिखरी फूलों ने महकाई है जिन जमीन जीवन गिर कर रहा है प्रगति संगीत से विदित कराया है। थैंक यू। छात्रा हूँ, आज आप सभी के सामने मैं अपनी लोक भाषा यानी कि गढ़वाली में हमारे स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो म्यार स्कूल नौ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एसएससी कार्यक्रम छे म्यार स्कूल में नौ बटन बारी नगर कक्षा छे यह मान मानी दगड़ी पर दर्शन यह कल सुविधा बच्चों ने काफ़ी अच्छी छे यह कल सभी अध्यापक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दे और सभी बच्चे नियमित रूप से नियमों का पालन भी करता छे यह कल मान बहुत अच्छी छे और मुद्दा स्कूल बहुत अच्छा लगे छे। इसकी हिंदी ये है कि मेरे स्कूल का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एसएससी कालका जी है। मेरे स्कूल में नौवीं से लेकर बारहवीं तक की कक्षाएं हैं। यहाँ लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। यहाँ की सुविधाएं बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ सभी टीचर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और सभी बच्चे नियमों का पालन भी करते हैं। मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे। एहन सुनल हमर भूमि जेकर नाम मिथिला धाम महाकवि वर विद्यापति जी अवतरित भेला अहिठाम। एहन सुनल हमर भूमि जेकर नाम मिथिला धाम महाकवि वर विद्यापति जी अवतरित भेला अहिठाम। हिनकर काव्य संगीतक भाव सँ हिनकर काव्य संगीतक भाव सँ उतरी एला शिव छोड़ी कैलाश। एहन सुनल हमर भूमि जेकर नाम मिथिला धाम साम्यवाद शासन छल सगरो साम्यवाद शासन छल सगरो राजा प्रजा छल एक समान मैथिल होने के अई धरती पर राजा जनक के कृत महान राजा जनक के कृत महान जता अयोध्या नगर के योद्धा जता अयोध्या नगर के योद्धा जिनकर नाम है राम भगवान बोधल गेला विवाहक डोर में बोधल गेला विवाहक डोर में सेची हमर जन्म स्थान सेची हमर जन्म स्थान। एहन सुनल हमर भूमि जेकर नाम मिथिला धाम जतः बहिन सीता संके जतः बहिन सीता संके मंडन सन प्रकांड विद्वान अयाची के चर्चा सदरो बालक वंश भेला महान बालक वंश भेला महान हम सब छी मिथिला के वासी जतः विराजत वेदक गाछी हम सब छी मिथिला के वासी जतः विराजत वेदक गाछी अपन मुख से कहि रहल छी अपन मुख से कहि रहल छी अपन सांस्कृतिक गर्व बखान। एहन सुनल हमर भूमि जेकर नाम मिथिला जतः कमला कोसी आर गंडक संग नदी रंगित भई खेत खलिहान जतः कोसी आर गंडक संग नदी रंगित भई खेत खलिहान श्यामा भाई के भव्य मंदिर संग उगना महादेव शाश्वत प्रवण। छप्पन प्रकार के व्यंजन प्रसिद्ध है छप्पन प्रकार के व्यंजन प्रसिद्ध है बर बौरी अदौरी के नाम तिलकोरक तरुआ के ऊपर सँ पान बढ़ावे मुख के शान। एहन सुनल हमर भूमि जेकर नाम मिथिला धाम अतिथि सत्कार के गौप नहीं पूछू मिथिला के ई विशिष्ट पहचान अतिथि सत्कार के गौप नहीं पूछू मिथिला के विशिष्ट पहचान और खमर और साध मखान सब रहू माछ के खूब गुलदान। जब चर्चित मिथिला पेंटिंग जब चर्चित मिथिला पेंटिंग देश विदेश में बढ़ावे मान शुभ कार्य ओवर प्रसिद्ध है मिथिला के अद्भुत विधान। एहन सुनल हमर भूमि जेकर नाम मिथिला धाम। इक्कीवीं सदी च आगे की गवा लिया आपा ने
ना ओ पापे चाचे काई ने कौन बिन बुलाए बनाने ही कर देना आई ने खुद नो दस केड़े कवि लाए आपा ने इक्की भी सदी च आ गए की गवाए आपा ने धरती उत्ते स्वर ता असी लभ दे हाँ पर आए दिन रुखा नु असी वढ दे हाँ खुद नो एना लालच क्यों बना लिया आपा ने खुद नो एना लालच क्यों बना लिया आपा ने इक्की भी सदी च आ गए की गवाए आपा ने आओ अपना रहो के वचन रहिए अपना जीवन और आगे लिखी रहिए तो फिर कदे एक नाम कहिए कि इक्कीवी सदी च आगे की गवा लिया आपा ने इक्कीवी सदी च आगे की गवा लिया आपा ने धन्यवाद। The Andaman and Nicobar Islands, spanning an area of 8,249 km², in the Bay of Bengal, consist of a total of 571 islands, with coal there serving as the trunk. It is believed that these islands are elevated portions of submarine mountains. Notably, these island groups hold immense strategic importance for our country. The region boasts a remarkable diversity of flora and fauna, owing to its equatorial climate and dense forest cover. Additionally, did you know that India's only active volcano is located on barren islands in the Andaman and Nicobar group of islands? Turning our attention to the relatively smaller Lakshadweep Islands in the Arabian Sea, this archipelago comprises of 36 islands and atolls, with Kavaratri as its administrative capital. Renowned for its rich coral reefs, Lakshadweep States stands as a biodiversity hotspot. Both these islands, the Andaman and Nicobar and Lakshadweep, are popular tourist destinations, attracting visitors with their pristine beaches, lush greenery, and water activities like snorkeling and scuba diving. With their unique blend of natural beauty, cultural richness, and ecological significance, both our island beauties stand out as a distinctive gem in India's diverse landscape. As ongoing efforts strive to strike a balance between development and conservation, these islands provide a glimpse into a harmonious coexistence with nature. Thank you everyone for your patience. Have a great day. The Nicobar Islands are home to two nightly tribes, the Sombil and Nicobaris. The native tribes are believed to have arrived in the island from Africa up to 60 years ago. All are nomadic hunter-gatherers, hunting wild pigs and monitor lizards and catching fish with bows and arrows. They also collect honey roots and berries from the forest. The Sombil tribes probably come to the island from the many Ruma coast several thousand years ago. The people in Andaman and Nicobar Island are neither primitive nor living in the Stone Age. Their way of life has not remained unchanged for thousands of years. Thank you, have a nice day. तो भाषा का पहला मंत्र ये है कि विचार विनिमय का सबसे आसान साधन भाषा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख माध्यम भी भाषा है। राष्ट्र की एकता का आधार भी भाषा है। सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम भी भाषा है। कला सभ्यता और संस्कृति में विकास का साधन भी भाषा है। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक भी भाषा है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। गुजराती इंडो आर्यन की भाषा है, जो लगभग 1100 से 1500 CE
इसका मतलब है नमस्ते आप सभी को। आज मैं तमिल के एक महाकवि के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी जयंती आज है, जिनका नाम है सुब्रमण्यम भारती, जिन्हें तमिल में लोग सुब्रमण्यम भारतीय करके भी बुलाते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1882 में हुआ था। वह एक महान कवि थे जिन्होंने देश प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी थी। उन्होंने कई भाषाओं में कविता लिखी और उनकी पकड़ तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली एवं संस्कृत जैसी भाषाओं में है। उनकी कई कविताएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई, जैसे कारण तत्व, वंदे मातरम, ग्रिंच, द पैच ऑफ लाइफ नामक अनेकों कविताएं। जब हमने उनके बारे में इतना जान ही लिया है, उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता से सुनते हैं। उलागी लामार बेरांगना बर्तुड़े उन्दे रंगी येड़ा चोड़ सत्तिडूं कलागा मारीगा कुछ बलवान कयोर धाना लोगना बागू। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो इस स्वप्न रूपी जीवन में एक विनाशकारी कीट की तरह केवल खाए, दूसरों को परेशान करे और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वह इस स्वप्न रूपी जीवन का भी एक भयावह स्वप्न है। आशा